तो ये है हमारा 30 फीट बाय 30 फीट का प्लान। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये हम बेसिकली आपको आइडिया दे रहे हैं कि आपका प्लान ऐसा भी बन सकता है। तो यानी कि 30 फीट इसका फ्रंट हम देंगे इसके अंदर और 30 फीट इसकी लंबाई रहेगी, ठीक है। तो ये पूरा प्लान जो है ये आपका 900 स्क्वायर फीट में बनेगा। ये पूरा प्लॉट साइज़ 900 स्क्वायर फीट का है, यानी कि 100 गज का ये प्लॉट है आपका, ठीक है। इस पूरे प्लॉट के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कितने बेडरूम आएंगे, कितनी कार पार्किंग आएगी, आपका गेस्ट रूम आएगा और आपका किचन आएगा, और इसमें कितने कॉलम्स आएंगे, आउटर वॉल और इनर वॉल कितने की रहेगी, और ये इसका कॉस्टिंग कितने की पड़ेगी। हमारा 30 फीट बाय 30 फीट का प्लान। तो इसके अंदर हमने दो बेडरूम दे रखे हैं, आपकी कार पार्किंग एरिया है और आपका गेस्ट रूम है, आपका डाइनिंग एरिया और किचन है, ओपन किचन हमने यहाँ पर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कार पार्किंग से। तो एक कार पार्किंग एरिया हो जाएगा इसका। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने रखी है 10 फीट, लंबाई जो हमने रखी है इसमें वो है हमारी 12 फीट 5 इंच, 12 फीट 5 इंच इसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपने लॉबी एरिया में आएंगे और यहाँ से आप अपने गेस्ट रूम में जाएंगे। तो यहाँ से आपके जो भी गेस्ट होंगे वो आपके गेस्ट रूम में आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका गेस्ट रूम, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने रखी है 9 फीट 5 इंच की, यानी कि विड्थ जो है वो हमारी 9 फीट 5 इंच है और लेंथ जो रहेगी वो हमारी 9 फीट 3 इंच की रहेगी। तो ये हमारी 9 फीट 3 इंच की लेंथ रहेगी। तो ये हमारा गेस्ट रूम हो जाएगा। इस गेस्ट रूम की विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं ये हमारी गेस्ट रूम की विंडो है। तो मैं इसको W1 से डिनोट करता हूँ। तो ये हमारी 4 फीट चौड़ी विंडो रहेगी गेस्ट रूम की, ठीक है। फिर आप कार पार्किंग में एंट्री करते हैं तो ये आपका पूरा स्पेस है। तो यहाँ पर तो इस साइड हमने ये आपका डाइनिंग एरिया बना रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर अपना सोफा सेट डाल सकते हो, लिविंग एरिया बना सकते हो इसको। तो इसकी जो डायमेंशन है वो है हमारी, वैसे ये हमारी लॉबी ही रहेगी। चौड़ाई जो हो जाएगी वो हमारी 7 फीट 5 इंच रहेगी, ठीक है। लंबाई जो रहेगी वो हमारी यहाँ से लेकर ये होगी हमारी 20 फीट 2 इंच की, यहाँ से लेके बिल्कुल हमारी यहाँ तक ये हमारी हो जाएगी 20 फीट 2 इंच इसकी लंबाई, ठीक है। तो ये हमारा लॉबी एरिया हो जाएगा। इसी के सामने यहाँ पर हमारी स्टेयर्स हैं, तो यहाँ से हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। स्टेयर्स जो हम देंगे वो हमारी 3 फीट 4 स्टेयर्स देंगे यहाँ पर, और ये जो स्टेयर्स पूरी स्पेस में बनेंगे ये हमारा बनेगा 6 फीट का, ठीक है। इस स्टेयर्स से हमने कर्टेन वॉल लगा रखी है जो हमने 4 फीट और 5 फीट चौड़े स्पेस में बनाई है। तो ये हमारी हमारी कर्टेन वॉल हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ ये हमारी कर्टेन वॉल रहेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो इसी के बराबर हमने दिया है कॉमन टॉयलेट बाथरूम, ठीक है। ये हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। इसकी जो डायमेंशन हमने दी है तो इसकी विड्थ जो है हमारी 4 फीट 5 इंच रहेगी, यानी कि चौड़ाई जो 4 फीट 5 इंच रहेगी, लंबाई जो है वो हमारी 8 फीट रहेगी, यानी कि लेंथ जो होगी वो हमारी 8 फीट की रहेगी। तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है, ये हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन हो जाएगा। मैं इसको बी से डिनोट करता हूँ। तो 2 फीट चौड़ा वेंटिलेशन रहेगा यहाँ पर हमारा। तो इस कॉमन टॉयलेट बाथरूम की जो भी गैस होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर बात करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो जाएगा। इसकी जो डायमेंशन रहेगी वो होगी हमारी, यानी कि विड्थ जो रहेगी वो हमारी 10 फीट 5 इंच रहेगी इस बेडरूम की, और लेंथ जो होगी वो हमारी 11 फीट की रहेगी। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो जाएगा। इस बेडरूम की विंडो हमने एक यहाँ पर दे रखी है और दूसरी विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है। इसको मैं W1 से डिनोट करता हूँ। तो विंडो जो रहेगी वो हमारी 4 फीट चौड़ी विंडो रहेगी। फिर बात करते हैं हम अपने दूसरे बेडरूम की। तो दूसरा बेडरूम हमारा ये रहा, तो ये हमारा दूसरा बेडरूम हो जाएगा। इस दूसरे बेडरूम की जो विंडो हम वो डायमेंशन देंगे वो है हमारी इसकी, यानी कि चौड़ाई जो होगी हमारी 11 फीट 5 इंच की रहेगी और लंबाई जो हो जाएगी वो हमारी 11 फीट रहेगी। इसी तरह से हमने यहाँ पर दो विंडो दी हैं, एक विंडो हमारी यहाँ पर है, दूसरी विंडो हमारी यहाँ पर है। तो ये जो विंडो है ये हमारी 4 फीट चौड़ी विंडो हमारी यहाँ पर रहेंगी। तो बेडरूम की गेस्ट रूम की जो विंडोज़ रहेंगी वो हमारी लगभग सेम ही रहेंगी, सेम साइज़ की रहेंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने किचन की। तो किचन यहाँ पर हमने ओपन दिया है बिल्कुल, ये हमारा किचन है। तो ये हमारा 8 फीट चौड़ा है और लंबाई भी इसकी हमने 8 फीट रखी है, यानी कि इस स्लैब से लेकर यहाँ तक ये हमारी 8 फीट है,
तो ये हमारा 8 फुट बाय 8 फुट का किचन हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर पार्टीशन वॉल डाल सकते हो। हमने नहीं डाली क्योंकि हमने इसको किचन को ओपन रखा है। इस किचन की विंडो हमने यहाँ पर रखी है तो 3 फुट चौड़ी विंडो होगी। तो इसको W2 से डिनोट करते हैं। तो इस किचन की जो भी गैस होगी वो इस विंडो के थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर बात करते हैं, इसी किचन के सामने हमारी डाइनिंग एरिया रखा है हमने। तो ये हमने लॉबी प्लस डाइनिंग एरिया है हमारा, लॉबी और डाइनिंग एरिया, ठीक है। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया हो जाएगा। इसकी जो डायमेंशन है यहाँ से लेके, ये हमारी 9 फिट 2 इंच रहेगी। कहाँ तक? ये जो स्लैब है हमारी, यहाँ तक हमारी 9 फिट 2 इंच रहेगी। लंबाई मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी 20 फिट 2 इंच की है। ये हमारा डाइनिंग एरिया हो जाएगा पूरा, ठीक है। इस डाइनिंग एरिया की विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है, तो आप देख सकते हैं तो 4 फिट चौड़ी विंडो हम यहाँ पर दे देंगे। तो ये था हमारा 30 फिट बाय 30 फिट का प्लान। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि कॉलम हम इसमें कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे, आउटर वॉल कितनी की होगी और इनर वॉल कितनी की होगी, और ये लगभग आपका कितने में बन जाएगा। तो ये आपको मैं एक अंदाज़ा बताता हूँ, आपको अप्रोक्सीमेट बताता हूँ, मतलब अंदाज़ा बताता हूँ कि ये कितने में बन सकता है आपका, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड कर दिए हैं आपके। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको, आउटर वॉल जो रहेगी वो हमारी 9 इंच की रहेगी, इनर वॉल जो रहेगी हमारी वो हमारी 4 इंच की रहेगी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमने इसमें प्रोवाइड किए हैं वो हमारे 16 हैं, और साइज़ ऑफ कॉलम जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा 9 इंच बाय 12 इंच का, ठीक है। अब इसकी जो कॉस्टिंग होगी, इसकी जो कॉस्टिंग होगी वो हम आपको बताते हैं। तो कॉस्टिंग जो रहेगी वो हमारी रहेगी, हाउस कॉस्ट वो रहेगी हमारी 9 लाख, आप अप्रोक्सी मान लीजिए आपके 10 लाख रहेगी। तो ये आपका 10 लाख आपकी हाउस कॉस्ट रहेगी। तो ये था हमारा 30 फिट बाय 30 फिट का प्लान। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।